हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिश्री एंड वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आ गई हूँ मैं एक और बिल्कुल ही ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो आज मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ लंच डेट को, उसके लिए आज हम लोग रेडी हो रहे हैं। मैंने बहुत ही प्यारी सी एक स्किन कलर की शर्ट पहनी है, टी शर्ट, ये फुल स्लीव की टी शर्ट है और ये थोड़ा ईस्टर्न लुक होगा और बहुत ही मिनिमल सा लुक रखेंगे, ज़्यादा हैवी नहीं जाएंगे क्योंकि लुक हमारा डे टाइम का है। तो डे टाइम में हमें अपना लुक बहुत ज़्यादा हैवी नहीं रखना क्योंकि अच्छा नहीं लगता, स्वेटिंग हो जाती है, आपका लुक सारा ख़राब हो जाता है। जितना मिनिमल रखेंगे, एलिगेंट रखेंगे, सिंपल रखेंगे, उतना ही प्यारा लगेगा। यहाँ पर मैंने लिए जो छोटे छोटे ये क्लिप्स, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अपने बालों में थोड़ी सी एसेसरीज ऐड कर लें, अपने गले में नेकलेस ऐड कर लें, रिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों से आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है, ग्रूम लगती है। तो ये क्लिप्स बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन में मिलते हैं, सिल्वर मिलते हैं, गोल्डन मिलते हैं। ये क्लिप्स आप लोग ले लें, बहुत अच्छे काम आते हैं। और फिर कोई भी लगाएंगे अपना नेल पेंट अच्छा सा, आपका जो भी फेवरेट हो, ब्लैक, पिंक, रेड और फिर एक अच्छी सी लिपस्टिक और एक वॉच। वॉच तो आप लोग दो तीन लेके रखें, सिल्वर, गोल्डन, कॉपर, अच्छी लगती है। अपने हाथ में कुछ भी ना पहना, थोड़ी रिंग्स पहन लें, वॉच पहन लें अच्छी सी, बहुत खूबसूरत एलिगेंट लुक। तो लुक हमारा डे का हो या नाइट का हो, स्किन को प्रेप करना तो बिल्कुल ज़रूरी है। तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ नीविया का सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र, ये बहुत ही रीजनेबल भी है और आपके स्किन को इतना हाइड्रेट कर देता है। ये मॉइस्चराइज़र आपको लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है आपके फेस पे, आपके हैंड्स पे, आपके नेक पे। अच्छे से अप्लाई कर लें ताकि हमारा फेस हाइड्रेटेड लगे और ग्लोई लगे। तो अच्छे से मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ यूज़ करूँगी सनस्क्रीन। सनस्क्रीन जब बाहर जा रहे हैं तो धूप ऑब्वियसली होगी, तो हमें अपनी सनस्क्रीन अप्लाई करनी ताकि हमारी स्किन डैमेज ना हो। सन से जो यूवी रेजेस निकलती हैं वो आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्श होती हैं, आपके स्किन को डैमेज कर देती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, एक्ने हो जाता है, सन बर्न हो जाता है, सन टैनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपके स्किन की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो जब भी बाहर जाएँ, घर में हो, धूप ज़्यादा हो या कम हो, आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना लाजमी है। सनस्क्रीन अच्छे से अप्लाई कर लेंगे और उसके बाद कोई भी कंसीलर या फिर कोई भी फाउंडेशन आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी मिस रोज का सिल्क फाउंडेशन, ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और अफोर्डेबल भी है और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टे करता है। तो मैं यही लगाना प्रेफर करती हूँ, थोड़ा सा लेके एक दो डॉट लेके अपने पूरे फेस पे, स्किन पे अच्छे से स्प्रेड करके अपने फिंगर्स की टिप से ही इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे और इसे कवरेज भी आपके अच्छी लगेगी और बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं लगेगा आपको। तो ये फाउंडेशन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी, ये वाला ले लें, बहुत अच्छी क्वान्टिटी भी है इसकी, लॉन्ग लास्टिंग भी है और आपको 500 तक का आराम से ये मिल जाए। और उसके बाद कोई भी पैलेट लेंगे, आई शेडो पैलेट, और उसमें थोड़ा सा कॉपर सा शिमर लेके उसको अपनी आई के लिड पे मिडल में अच्छे से अप्लाई कर लेंगे ताकि थोड़ा सा ग्लोई हमारी आईज़ लगे। बिल्कुल लाइट रखना है तो हल्का सा कोई भी कॉपर, सिल्वर कलर का शिमर लेके उसको अपनी पूरी आईलेट पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे और फिर लगा लेंगे हम मस्कारा, वो भी वन सिंगल कोड, भी ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है, धूप होगी, पसीना होगा तो हमारा। अगर मस्कारा वाटरप्रूफ नहीं है तो वो स्वेटिंग की वजह से ख़राब हो जाएगा। मस्कारा वैसे कम ही लगाना चाहिए, पर जब भी लगाएं आप लोग वाटरप्रूफ लगाएं, या फिर वाटरप्रूफ मैं तभी लगाती हूँ जब कोई मेन इवेंट्स होते हैं ताकि उसमें ख़राब ना हो। नॉर्मल इवेंट्स में मैं ये विदाउट वाटरप्रूफ जो मस्कारा होता है वो लगा लेती हूँ, उससे आपकी लैशेज़ की लाइफ लॉन्ग रहती है। और फिर कोई भी टेंट अच्छा से लेके हम अपने चीक्स पे, अपने नोज़ पे, चिन पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे ताकि हम ब्लश करें, हमारा ब्लश बहुत अच्छा से लगे। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ब्यूटी हाइलाइट्स का टेंट, इसका शेड है रसबेरी और ये बहुत ही खूबसूरत सा रेड और पिंक कलर का एक टेंट है। तो रेड टोन में भी है और पिंक टोन में भी है, तो ये अच्छा सा कलर लगता है, अपने लिप्स पे अप्लाई कर लेती हूँ और ये लॉन्ग लास्टिंग टेंट है। आप लोग भी ज़रूर बाय कर सकते हैं इंस्टा के पेज से। और फिर मैं अप्लाई करूँगी अपने लिप्स पर एक न्यूड कलर की पेंसिल, इट्स टोटली अप टू यू आपको कौन सा शेड अप्लाई करना है। मैम थोड़ा डे टाइम में जा रहे हैं तो थोड़ा लाइट ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा शार्प और डार्क कलर्स अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो टी शर्ट पहनी है वो भी थोड़ी लाइट है, तो थोड़ा मिनिमल से रखेंगे, बहुत ही मिनिमल से लगे, क्यूट लगे, एलिगेंट लगे। तब मैं न्यूड कलर का एक शेड लेके ब्राउन की टोन में अपने लिप्स को अच्छे से लाइन कर लूँगी और वही शेड को अच्छे से अपने लिप्स पर फैला लूँगी। और फिर मैं अप्लाई करूँगी यहाँ पर कोई भी पिंक कलर का टेंट ले लें, आप कोई लिपस्टिक ले लें यहाँ पर डार्क पिंक शॉकिंग कलर की, और उसको अपने मिडिल ऑफ द लिप्स पे हल्के हल्के अपने फिंगर से टैप करूँगी ताकि जो ओम्ब्रे लिप्स बन जाए। इस लिपस्टिक की हैक से बहुत ज़्यादा एक फाइन सा क्यूट सा लिपस्टिक का कलर लगता है आपका, कि बाहर लाइट लिपस्टिक लगी है, अंदर थोड़ी सी डार्क लिपस्टिक लगा लें आप तो बहुत ही ओम्ब्रे कलर का शेड बन जाता है, इसको यही कहते हैं। और उसके बाद मैं अपना थोड़ा सा टेंट जो मैंने अपने चीज़ पर अप्लाई किया था वही मैं अप्लाई कर लूँगी अपने लिप्स के अंदर, जहाँ पर मैंने अपनी लिपस्टिक अप्लाई करी थी, थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए, डार्क से लगे और बहुत ही प्यारा सा लिपस्टिक का शेड ये बन जाता है। दो तीन कलर को मिक्स करके कभी एक कलर मत लगा करें, थोड़ा सा ये वाला कलर लगाएं, थोड़ा सा वो लगा लें तो बहुत अच्छा सा आपका एक परफेक्ट शेड बन जाता है। और उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी अपने नेल्स पर पील ऑफ नेल पेंट, ये बहुत ही खूबसूरत नेल पेंट होता है और ब्लैक कलर का है तो बहुत प्यारा लगता है। ऑब्वियसली नमाज पढ़ना होती है तो छुटाने भी होता है, तो वीडियो के लिए हमें पील ऑफ ही सूटेबल रहता है। कहीं जा रहे हैं आराम से पील ऑफ नेल पॉलिश लगाएं, जो भी कलर आपको पसंद है, और इसको बाद में पील ऑफ कर दें तो ये बहुत अच्छी रहती है नेल पॉलिश। जब हम लिपस्टिक अप्लाई करते हैं तो हमारे लिप्स कितने प्यारे हो जाते हैं, वैसे ही हमें नेल पेंट अप्लाई करके हमारे नेल्स की लाइफ लॉन्ग हो जाती है और बहुत खूबसूरत इफेक्ट आता है, लुक लगता है। और फिर हम पहनेंगे यहाँ पे अच्छी सी ब्यूटीफुल सी वॉच, जिससे हमारा लुक
कंप्लीट हो गया है। छोटी छोटी एक्सेसरीज ऐड करने से आपकी पर्सनैलिटी को एक अच्छा सा चार्म मिलता है, लुक आ जाता है। नेल पॉलिश अप्लाई कर लें और फिर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी, मतलब वेयर करूँगी क्लिप्स। ये बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर क्लिप्स थे, मैंने लिए थे, 200 के मिले थे मुझे, 100 का एक था और बहुत ही खूबसूरत सा एलिगेंट से आपको बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस मिल जाएंगे, शेप्स मिल जाएंगे। और ये लगा के आपकी पर्सनैलिटी एकदम क्यूट लगती है, बहुत ही फ्लफी सा क्यूट सा कोजी कोजी लुक आता है। और आप टी शर्ट पर पहन लगाएं, किसी भी फ्रॉक पहने, कोई भी मैक्सी पहने, उस पर अप्लाई करें तो आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लग जाते हैं। वैसे भी ये चांद ही है, सितारे जैसा, चांद जैसा, तो आप ये वाले क्लिप ज़रूर ले लिया करें। जी हाँ फ्रेंड्स, तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ अपनी लंच डेट पर जाने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये लुक पसंद आया होगा। आप लोग भी जब कहीं जाएँ, किसी इवेंट में जाएँ, कहीं पर गेट टुगेदर में जाएँ, तो ये वाला लुक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये लुक बहुत ज़्यादा मिनिमल है, आसानी से हो जाएगा, 2 मिनट्स का लुक है बस। बस छोटी छोटी अपनी एसेसरीज ऐड करें, मेकअप को बिल्कुल मिनिमल रखें ताकि आपको स्वेटिंग ना हो, आप फुल से अच्छे से आप इन्जॉय कर सकें। ड्रेस की चॉइस भी इज़ टोटली अप टू यू, आप ईस्टर्न पहने या वेस्टर्न पहने, आप दोनों में ये वाला लुक ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही प्यारे लगेंगे आप। बस आपको अपनी पर्सनैलिटी पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो भी करेंगे आप खूबसूरत लगेंगे। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ये वीडियो में ज़रूर शेयर कीजिएगा गर्ल्स को, ताकि उनको भी ये वीडियो देख के बहुत हेल्प मिले। एंड प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर न्यू अमेजिंग वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।